हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टिका स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो आज इसका थर्ड डे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी क्लोज़ हो गया। अब इसके अंदर क्या करें, अप्लाई करें या अवॉइड करें, क्यों कल का आखिरी दिन है और क्यों आईबीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज के दिन ये आईपीओ करीब करीब 1,20,000 से 1,25,000 तक का प्रॉफिट देखने को मिला इस आईपीओ में, क्योंकि ऑलरेडी ये आईपीओ जो प्राइस पे आया है उससे डबल हो चुका है। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आखिरी दिन क्या करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में देखेंगे अभी तक इसके अंदर कि YBC का कितना पार्टिसिपेट आया है, और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है सबसे ज़्यादा रिटेल इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम वीडियो पर चैनल पर जो आए हुए हैं वह चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़े दबा दो। चलो देखते हैं क्रिस्टिका आईपीओ का थर्ड डे सब्सक्रिप्शन क्या आया है, वो भी देख लेते हैं। चैनल हम बात कर रहे हैं क्रिस्टिका स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अगर देखा जाए तो आज इसका सब्सक्रिप्शन थर्ड डे कंप्लीट हो गया, और करीब करीब बात करते हैं इसके अंदर सब्सक्रिप्शन की। अब लाइव स्टेटस क्या चल रहा है वो देखेंगे। देखेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो अभी तक करीब करीब 4 से 5 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, और करीब करीब इसके अंदर बिडिंग 31 करोड़ रुपीज की आ चुकी है। बात करते हैं साथ साथ में नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 150 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया है, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया है। और करीब करीब जो पैसा आया है 294 करोड़ तक का इसके अंदर आ सके, 294 करोड़ इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का। और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिल रही है, जिसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादातर एसएमई आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अभी तक इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का 288 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है, और जो अमाउंट जो बनता है करीब करीब 1,318 करोड़ इसके अंदर बिडिंग आ चुकी है। और बात करते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन की, यानी अभी तक इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आया है, देखा जाए तो करीब करीब 126 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ चुका है, 26 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। और साथ साथ में बात करते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन की, तो टोटल सब्सक्रिप्शन 1,643 टाइम करोड़ इसके अंदर आ चुका है, 1,643 करोड़ रुपीज़ इसके अंदर पैसा अभी ऑलरेडी आ चुका है। और साथ साथ में बात करते हैं डे बाय डे सब्सक्रिप्शन की, जो देखा जाए इसके अंदर अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, और फर्स्ट डे देखा जाए तो इसके अंदर करीब करीब 20 टाइम सब्सक्रिप्शन आया था, और मैंने कहा था इसके अंदर पार्टिसिपेट करो ये अच्छा पैसा बना के देगा। और सेकंड डे देखा जाए तो 58 टाइम्स आया था, और आज के दिन देखा जाए तो करीब करीब 126 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया है इसके अंदर। बात कर रहे हैं क्रिस्टिका स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में, और देखा जाए तो इसके अंदर 16 मई से स्टार्ट हुआ था, और कल 19 तारीख है, कल 19 मई का इसका आखिरी दिन है, कल ये आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला अभी तक 3 दिन के अंदर, कल हो सकता है इसके अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। फिलहाल बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की, 10 रुपया फेस वैल्यू है, आईपीओ प्राइस 51 से 54 रुपीज़ के बीच में रखा गया है, और साथ साथ में एक लॉट के अंदर 2,000 शेयर्स रखे गए हैं। और टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 18 करोड़ का ये आईपीओ है, और पूरा पूरा फ्रेश इशू ये आईपीओ आ रहा है, आया हुआ है। और साथ साथ में बात करते हैं लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा NSE SEMP लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि NSE की वेबसाइट पे ही हमको ये देखने को मिलेगा। और साथ साथ में बात करते हैं इसके रिजर्वेशन की, अभी तक इसके अंदर रिजर्वेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कोटा रखा गया है QIBs का 50% रखा गया है, और QIBs के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कल इसका आखिरी दिन है, हो सकता है सबसे ज़्यादा QIBs कल देखने को मिले। और HNIs के अंदर देखा जाए तो 15% इसके अंदर सब्सक्रिप्शन रखा गया है, और साथ साथ में रिटेल सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 35% इसके अंदर रखा गया है रिटेल का पोर्शन रिजर्व के किया गया है, और सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इसके अंदर रिटेल के अंदर ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ का आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आज तीसरा दिन कंप्लीट हो गया है। चलो देख लेते हैं इसका आज के दिन में ग्रे मार्केट कर रहे हैं क्रिस्टिका स्ट्रिपिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। अगर देखा जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है अभी तक इसके अंदर, और आज है 18 तारीख, 114% तक ये अपना चढ़ चुका है। कल के डेट में जब वीडियो बना के बताया था और कल 103 पे चल रहा था, और आज 114% प्रीमियम के अंदर ये चढ़ चुका है, ज़बरदस्त इसके अंदर हमको प्रीमियम देखने को मिला है, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और हो सकता है ये कल हमको 130-140 तक भी जा सकता है, क्योंकि कल इसका आखिरी दिन है, और आखिरी दिन QIBs इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, डे बाय डे इस आईपीओ के अंदर तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि स्टार्ट में जब से ये आईपीओ स्टार्ट हुआ है तब से इसके अंदर हमको कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है, और देखा जाए तो करीब करीब ये 70% से लेकर करीब करीब 114% तक ये चढ़ चुका है। फिलहाल देखते हैं जैसे भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।